तो अगर आप क्लास नाइन्थ में हैं और इतिहास का फर्स्ट चैप्टर भौगोलिक खोजे पढ़ चुके हैं और उसका चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव याद कर ले या फिर ऑब्जेक्टिव बना ले, तो आपके लिए ये स्पेशल ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो सबसे पहला उसमें ऑब्जेक्टिव यह आता है कि जेरूसलम अभी वह कहां स्थित है। तो जेरूसलम कहां स्थित है, तो आधुनिक इजराइल में अवस्थित है। कहां स्थित है, आधुनिक इजराइल में अवस्थित है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जेरूसलम कहां स्थित है, क्या जवाब दोगे, आधुनिक इजराइल में अवस्थित है। कहता है कि कुस्तुंतुनिया का पतन कब हुआ, 1453 ईस्वी में कुस्तुंतुनिया का पतन हुआ था। कहता है कि कैरावल जहाज किसने बनाया था, तो कुलकर्णी ने बनाया था। यह बहुत ही हल्का और तेज चलने वाला जहाज था, नाम क्या है, तो कैरावल जहाज। किसने बनवाया था, तो कुलकर्णी ने बनाया था। कहता है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था, डियाज ने। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया, बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। अब है कि दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, उत्तम आशा अंतरिक्ष, क्या है, उत्तम आशा अंतरिक्ष नाम है। अब है अमेरिका की खोज किसने किया, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब किया, तो 1492 ईस्वी में किया। भारत की खोज किसने किया, वास्को डिगामा ने किया। कब किया, 1498 ईस्वी में। कहता है मालाबार तट केरल के कालीकट पर वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था, जब वास्को डिगामा आया था तब, तो किसने किया था, वहां का जो शासक था जमोरिन उसने किया था। किसका स्वागत, तो वास्को डिगामा का। कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में वास्को डिगामा की भेंट किस भारतीय व्यापारी से हुआ था, अब्दुल मजीद से। किससे हुआ था, अब्दुल मजीद से। अगला टॉपिक यह है कि कोलंबस ने अमेरिका के निवासियों को क्या कहा था, तो रेड इंडियन कहा था। अमेरिका का नाम किसके नाम पे पड़ा, अमेरिकी के नाम पे अमेरिका नाम पड़ा। अगला टॉपिक यह है कि पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से किसने लगाया था, मैग्नेट ने लगाया था। कब लगाया था, तो 1519 ईस्वी में लगाया था। अगला टॉपिक यह है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था, कैप्टन कुक ने किया था। अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया था, यह एक टॉपिक है कि अमेरिकी महाद्वीप को किसके द्वारा नई दुनिया का नाम दिया गया था, तो यूरोपियों द्वारा, में टिक मारना। अब अगला है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना कब हुआ था, तो उसमें बहुत सारे कंपनी आए थे जिसमें से पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ था, 1498 ईस्वी में। दूसरा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था भारत में, 1600 ईस्वी में। डच कब आया था, तो 1602 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांसीसी कब आया था, 1667 ईस्वी में। डेनिस कब आया था, 1616 ईस्वी में। और स्वीडिश कब आया था, तो 1731 ईस्वी में। वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था, तो पुर्तगाली यात्री था। बस इतना ही, अगर इतना टॉपिक को आप याद कर लेते हैं तो आपका 80% जो है उसका जो सिलेबस है मेन टॉपिक वो कवर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय टाटा।